हेलो दोस्तों, मैं सीएमए गौरव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ फॉर्म 10 IEA। कोई भी पर्सन जो न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाना चाहता है तो वो ये फॉर्म 10 IEA फाइल करेगा, और फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये फॉर्म मैंडेटरी है जिन पर्सन को भी न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम की तरफ टैक्स में आपको जाना है, या आपने ऑलरेडी ओल्ड रिजीम का फाइल किया हुआ लास्ट ईयर में और वो अब इस साल आप न्यू रिजीम में आना चाह रहे हो तो आपको ये फॉर्म 10 IEA फाइल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये फॉर्म क्यों आया। तो अर्लियर टिल 2022-23 व्हेन द न्यू टैक्स रिजीम वाज नॉट द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इंडिविजुअल हैड टू फाइल द फॉर्म 10 IEA टू स्पेसिफाई देयर रिविलिंगनेस टू चूज द न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो पहले 2022-23 में क्या करते थे, हमें अगर नया टैक्स रिजीम ऑप्ट करना होता था तो हम ये फॉर्म 10 IEA फाइल करते थे। बट हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम 23-24 द न्यू टैक्स रिजीम हैज बीन सेट एज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। तो अगर दिस मीन्स दैट इफ द टैक्स पेयर डज नॉट स्पेसिफाइड देयर इंटेंट टू चूज द ओल्ड टैक्स रिजीम, दे विल बी ऑटोमेटिकली इनरोल्ड इन टू द न्यू रिजीम। सो फॉर द इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू रिजीम है। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो फिर आपको ये फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वाई 10 IEA इज नीडेड फॉर फाइलिंग द ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑनवर्ड। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट इज मीन्स असेसमेंट ईयर 24-25, द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर द फाइलिंग ITR इज न्यू टैक्स रिजीम, एंड दोज हु विश टू ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम, द न्यू फॉर्म 10 IEA कैन बी यूज to indicate the preferences for the old tax regime by the individual, HUF, AOP other than cooperative society. This means ये जो form है 10 IEA ये कौन file कर सकते हैं, वो कोई individual file कर सकते हैं, HUF file कर सकते हैं, या association of person file कर सकते हैं, या body of individual file कर सकते हैं, artificial judicial person file कर सकते हैं जो कि AJP कहलाते हैं। They have to mandatory submit the form 10 IEA within the specified time frame under the section 139 subsection 1. ठीक है, if they want to switch their tax regime from new to old or if they want to re-enter in the new scheme. ठीक है, तो ये form 10 IEA है। ये जो person है, ये जो individual person HUF AOP ये form 10 IEA file कर सकते हैं। साथ में ही ये फॉर्म आपको विदिन द ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। जो भी आपकी ड्यू डेट है, अगर आपके टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होती है तो आपका 31 अक्टूबर होता है, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होती है तो आपका 31 जुलाई होता है। तो 30 जुलाई से पहले आपको ये 10 IEA फॉर्म फाइल कर लेना है, तभी आपका रिटर्न प्रोसेस होगा अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, या ओल्ड टैक्स से वापस न्यू रिजीम में आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये ड्यू डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद इनकम, अब ये पहले न्यू रिजीम में से ओल्ड रिजीम में हम क्यों जा रहे हैं, या ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में क्या आ रहे हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है जो है वो अरे करंट में वो ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में अंडर अकॉर्डिंग टू स्लैब्स है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था कि हमारा जो इनकम टैक्स जो चार्ज होता था उसके लिए चार स्लैब दिए गए थे, जहाँ पे हमें 2.5 लाख रुपये तक की कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगती थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की इनकम के लिए 5% टैक्स देना पड़ता था, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम के लिए हमें 20% का टैक्स देना पड़ता था, और साथ साथ में 10 लाख से ऊपर की जो भी इनकम थी उसके लिए 30% का टैक्स मिल लगता था। ठीक है, लेकिन जब न्यू रिजीम आया तो न्यू रिजीम के अंदर हमारे पास टोटल मिला के आप देखोगे तो करीबन 7 स्लैब्स हैं, जिसके अंदर 2.5 लाख के टैक्सेस के लिए 2.5 लाख तक कोई भी टैक्सेस नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम मुझे 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरा 5 लाख से 7 लाख के बीच में इनकम आ रही है तो मुझे 10% देना पड़ेगा। फिर मुझे एडिशनल 7.5 लाख से 10 लाख की इनकम के लिए 15% देना पड़ेगा। 10 लाख से 12 लाख प्लस इनकम के लिए मुझे 20% देना पड़ेगा, और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच के इनकम के लिए 25%, और 15 लाख से ऊपर जो मेरा इनकम फॉल करेगा उसके लिए मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये न्यू रिजीम ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हो तो जो हम पहले डिडक्शंस क्लेम करते थे अंडर ATC क्लेम करते थे, फिर उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती थी, सैलरी वालों के लिए हमारे पास बड़े सारे डिडक्शंस अवेलेबल थे, सेक्शन 10 के, HRA का, वेयर कन्वेंस अलाउंस का, इन सब तरीके का काफ़ी सारा डिडक्शंस अवेलेबल था। वो सारे के सारे डिडक्शंस आपको अंडर न्यू रिजीम नहीं मिलेंगे, यानी कि आपकी जो भी इनकम आ रही है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन के जो भी टैक्सेबल इनकम आ रही है उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये का क्रॉस इनकम में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, बाकी का सारा इनकम वो इस नए स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स होगा। और जो अगर आप पुराने रिजीम करते हो तो वहाँ पे आपके पास ATC का बेनिफिट था 1.5 लाख रुपये का। अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते थे 24B के अंदर में। ठीक है, तो अगर आपके पास डिडक्शंस हैं
ठीक है, एटीसी की भी है, और आप नया रिजीम नए वो अगर आपके पास डिडक्शंस हैं, एटीसी की भी डिडक्शंस है, और साथ साथ में आपकी जो हाउस वो अगर लोन पे ले रखा है, तो आप अगर एक हैवी अमाउंट लोन के में इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट का बेनिफिट अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का उठा सकते थे। तो इस अगर बेनिफिट आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन जब आप करते हो, तो अगर बेनिफिट अगर आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा मिलता है कि आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो उस केस में फिर आपको ये 10IEA फाइल करना पड़ेगा, आपको न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी कंडीशन ये है कि आपको ये फॉर्म 10IEA वो ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न तो आप सपोज करो फाइल करते हो, तो रिटर्न आपकी ड्यू डेट से पहले होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ड्यू डेट के बाद ही रिटर्न ये फॉर्म फाइल कर रहे हो, तो ये आपको फिर ये आप अपना रिजीम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अभी हम देखते हैं कि जो ये फॉर्म 10IEA है वो इनकम टैक्स की पोर्टल पे लाइव कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी इनकम टैक्स के पोर्टल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये फॉर्म आपको कैसे फाइल करना है, ठीक है। IEA फाइल करने के लिए आपको जाना है इस फाइल के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, लॉगिन करने के बाद आप इस फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखेगा डिटरमाइनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस 10IEA। अगर आपको ये फॉर्म यहाँ नहीं दिखता है, तो आप इसको इस पेज को 20 कर दें, ठीक है। फिर 10IEA इसको फाइल नाउ पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर आ रहा है, ऑनलाइन सबमिशन है, फिर आपको ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जिस साल के लिए आपको फाइल करना है, फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ 115(5)(BSC) ये आपका आएगा, यहाँ पे आपको लेट स्टार्टेड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन। सो 10IEA सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रही है। अगर आपकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन से है, तो ये फॉर्म फिर आपके लिए नहीं है। फिर आप ITR भरते समय ही क्या करोगे, वहीं पे ऑप्शन चूज कर लोगे कि आप जो रिटर्न्स न्यू में डालना चाह रहे हैं या ओल्ड में डालना चाह रहे हैं। अगर ओल्ड रिजीम में डालना चाहे तो ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर लेंगे, और न्यू रिजीम में डालना है तो न्यू रिजीम तो बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे डू यू हैव इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, यस, और ड्यू डेट एप्लीकेबल, क्योंकि इंडिविजुअल में हूँ और मेरा कोई टैक्स ऑडिट नहीं है, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल नॉन टैक्स ऑडिट के लिए ये करेंगे, और टैक्स ऑडिट केस के लिए ये वाली डेट्स है, ठीक है। जिनके टैक्स ऑडिट होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की, उनके लिए ये डेट होती है, अदरवाइज आपके लिए नॉर्मल पर्सन के लिए ये डेट है। फिर इसको करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे फिर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म, ये आपको यहाँ पे यस करना है। अब आपको ये 3 पेज की डिटेल भरनी है, सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप पहले प्रोवाइड डिटेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नाम, पैन नंबर, सोर डिटेल आपकी आ जाएगी, और ये बताएंगे कि आप ये स्टेटस ऑफ द पर्सन रेफर टू सेक्शन 1A ऑफ द इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 24-25। अब यहाँ पे आपको ऑप्ट आउट पे क्लिक करना है। ऑप्ट आउट का मतलब हो गया कि आपने पहले जो ये फॉर्म भर रहे हो, ये ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम की तरफ जा रहे हो, ठीक है, न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम। ये फॉर्म आपको तभी फिल करना है जब आप न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम की तरफ जाना चाहते हैं, और आपका इनकम बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है। फिर आप इसे सेव पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। फिर यहाँ पे आपको ये वेदर हैविंग एनी यूनिट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आईबीसी, यहाँ पे आप इसे अनसिलेक्टेड रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसे यस नो छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़िए। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन में जाना है, फिर आपको डिक्लेयर करना है ये आपका नेम, आपका पैन कार्ड, फिर आपके फादर का नेम एज पर द पैन रिकॉर्ड। और फिर इसे आप ये चेकबॉक्स करके आप इसे फिर प्लेस डालोगे, फिर ये प्लेस इंटर करने के बाद आप इसे सेव कर लोगे। अब आपका फॉर्म रेडी है फाइल करने के लिए, ठीक है। फिर आप इसे प्रीव्यू करेंगे, फॉर्म 10IEA सी रूल 21AGA, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्म 10IEA टू बी फाइल ओनली फॉर ऑप्टिंग टू ओल्ड टैक्स रिसीव, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिटेल वगैरह। इसके बाद आप क्या करोगे, इसे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड टू वेरीफाई, यस,
ठीक है, फिर आई वुड लाइक टू वेरीफाई विद द मोबाइल ओटीपी ऑन द मोबाइल रजिस्टर विद द आधार, ठीक है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, प्रोसीड करेंगे। ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी इंटर करने के बाद इसे वैलिडेट करेंगे, ठीक है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यस, ठीक है, सबमिट हो गया, ये आपका ट्रांजेक्शन आईडी और ये आपका रेफरेंस नंबर है, ठीक है। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आईटीआर में डालनी पड़ेगी, जहाँ भी आप आईटीआर फिल कर रहे होंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर की मदद से फिल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से आपको ये डिटेल एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ डालनी पड़ेगी कि हाँ ये मैंने फॉर्म फाइल कर दिया है और ये फॉर्म मैंने इस डेट को फाइल किया, अदरवाइज इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक कन्फर्मेशन मेल आपके पास आएगा इनकम टैक्स की तरफ से आपकी मेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे, तो अगर आप अपनी मेल आईडी ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये मेल रिसीव हो चुका होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म 10 ई आई ई ए फाइल करने का। ये अभी मैं दोबारा बता दूँ, ये फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है साथ साथ में, ठीक है, या अकेला का सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है और वो ओल्ड रिजीम टैक्स को ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इनकम टैक्स की फाइलिंग रिलेटेड कुछ भी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे वेबसाइट तैयारी एग्जाम की के वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ से आप तैयारी एग्जाम की वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हम रन कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टेड पे। अगर आपको इनकम टैक्स रिलेटेड ये सीखनी है, इनकम टैक्स की फाइलिंग अगर आप सीखना चाहते हो, तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न एनी फाइलिंग विद कंप्यूटेशंस का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट लर्निंग मिलेगी, आप इस कोर्स लर्निंग मिलेगी आपको सारे आइडियाज के ऊपर इनकम टैक्स के। आपको पहले इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में समझाएंगे, फिर इनकम टैक्स के पोर्टल्स के फीचर्स के बारे में समझाएंगे, फिर आपको आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 तक को कंप्यूट करना सिखाते हैं और फिर आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 को फाइल करना सिखाते हैं। जो डेटा सारा यूज होता है रिटर्न्स फाइल करने में, वो सारा का सारा लाइव डेटा यूज होता है, एक्चुअल रिटर्न्स आपको फिल करके दिखाई जाती है और फिल करके ही समझाई जाती है, ठीक है। इसकी क्लासेज जो होती है हमारी, वो लाइव क्लासेज होती है। लाइव क्लासेज होने के बाद आपको इस क्लास का पूरे क्लास का जो भी क्लास आपने इनरोल किया है उस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप एक साल तक कम्प्लीटली देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है तो आपको वीडियोज एक्सेस मिल जाएगा, जिस वीडियोज को एक्सेस के वीडियो को आप यहाँ से इन लिंक्स पे क्लिक करके आप इन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो और इसे एक ईयर तक अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, ठीक है। और अपने डाउट सेशन जो हमारी जब डाउट सेशन होती है, उन डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है इनकम टैक्स के ऊपर के ऊपर में। अगर आपको इनकम टैक्स रिलेटेड सीखनी है और बाकी कोर्सेज के लिए हमारे कोर्सेज सेगमेंट में, स्किल डेवलपमेंट सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये नॉलेजफुल लगी होगी।